नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे वार्षिक परीक्षा परिणाम के संबंध में आ रही आपको विभिन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में। साथियों, परिणाम से संबंधित जो जो आपकी क्वेरी और जो जो आपके कमेंट मेरे चैनल पर मुझे प्राप्त हुए हैं विभिन्न वीडियोज के माध्यम से, उन सभी में आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो तैयार की जा रही है। इस वीडियो में मैं आपकी सभी समस्याओं का बारी बारी से समाधान करने का प्रयास करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वार्षिक परीक्षा का परिणाम तैयार करने में किसी भी शिक्षक साथी को कोई परेशानी या शंका का सामना नहीं करना पड़े। आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, सबसे पहला हमारा पॉइंट है छात्र उपस्थिति का अंकन शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना। इसमें आपको स्टूडेंट टैब में छात्र मासिक उपस्थिति का एक ऑप्शन दिया जाएगा। उस ऑप्शन के माध्यम से आपको प्रत्येक बालक बालिका कक्षा 1 से 4, 6 से 7, 9 एवं 11 की उपस्थिति सबमिट करनी है। प्रत्येक महीने की उपस्थिति आपको जुलाई से अप्रैल माह तक सबमिट करनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा सभी बच्चों के रोल नंबर आवंटित करना। आप कक्षा 1 से 4, 6 से 7 एवं 9 से 11 का अनिवार्य रूप से स्टूडेंट टैब में रोल नंबर आवंटन का टैब दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप सभी बच्चों के वार्षिक परीक्षा के रोल नंबर आवंटित करेंगे। उन सभी आवंटित रोल नंबर का शाला दर्पण पोर्टल पर आपको इंद्राज करना है, जिससे कि आपके ग्रीन सीट और रिजल्ट में आपके रोल नंबर दिखाई दें। अगर आपने अपने रोल नंबर सभी बच्चों के सबमिट कर दिए हैं, उसके बाद में भी अगर आपकी ग्रीन सीट में रोल नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो साथियों आपको एक दिन का इंतजार करना है अपडेशन के लिए, क्योंकि जिस दिन आप अपडेट करेंगे उसी दिन आपके रोल नंबर ग्रीन सीट में अपडेट नहीं होंगे। आप जब दूसरे दिन देखेंगे तो आपके सभी छात्र छात्राओं के रोल नंबर आपके ग्रीन सीट में आपको अपडेट दिखाई देंगे। इसके अलावा थर्ड नंबर का हमारा पॉइंट है कि हमारे रिजल्ट सीट में रोल नंबर का दिखाई नहीं देना। साथियों, अभी यह अपडेशन उच्च स्तर से नहीं हुआ है, आपको इसका इंतजार करना है। जैसे ही यह अपडेशन होगा, हमारे रिजल्ट में भी सभी बच्चों के रोल नंबर हमें दिखाई देंगे। अब साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कक्षा 1 एवं 2 में ईवीएस, एसयूपीडब्ल्यू, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कितने नंबर की प्रविष्टि हमें शाला दर्पण पोर्टल पर करनी है, और खास तौर से कक्षा 1 और 2 में क्या ईवीएस विषय की अनिवार्य रूप से एंट्री हमें की जानी है। इसके संबंध में आपके कई कमेंट मेरे वीडियोस पर प्राप्त हुए हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप कक्षा 1 एवं 2 में एसयूपीडब्ल्यू, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, इन्हीं की तर्ज पर ईवीएस विषय के भी 100 में से कुल प्राप्तांक नंबर की एंट्री कक्षा 1 एवं 2 में अन्य विषय के रूप में करेंगे। एवं साथियों, कक्षा 3 से 5 में आप पर्यावरण के रूप में आपको अलग से मुख्य विषय में पर्यावरण मिलेगा, जिसमें आपको वार्षिक परीक्षा, मौखिक और हमारा जो पोर्टफोलियो मार्क्स है उनके आपको नंबर चढ़ाते हुए पर्यावरण के रूप में करनी है। कक्षा 6 से 7 में आपको सामाजिक विज्ञान के रूप में एंट्री करनी है। अब साथियों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या हमारे रिजल्ट को पीओ के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा, एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिजल्ट को सीबीओ के माध्यम से कैसे वेरीफाई करें। साथियों, इसमें अभी उच्च स्तर से शाला दर्पण पोर्टल पर वेरीफाई करने का ऑप्शन अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। जैसे ही यह ऑप्शन वेरीफाई करने का प्रारंभ किया जाएगा, इसके अपडेट के संबंध में आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। आप उससे पहले धैर्य रखें, आपके जो ऑप्शन उसमें दिखाई दे रहा है नॉट वेरीफाई, जब वहां पर वेरीफाई का आपको दिखाई देगा उसके बाद में ही आपका रिजल्ट वेरीफाई होगा। आप बिना रिजल्ट को वेरीफाई किए आप अपने रिजल्ट की प्रिंट नहीं लें। आपको सबसे पहले ग्रीन सीट का प्रिंट लेना है, और ग्रीन सीट का जो प्रिंट है आपका वो अपने आप में एक रजिस्टर के रूप में काम करेगा। जैसा कि हम पूर्व में ऑफलाइन रजिस्टर तैयार करते थे रिजल्ट का, सेम उसी की तर्ज पर हमारा अभी वर्तमान में ग्रीन सीट है, और ग्रीन सीट से हमें सभी बच्चों के नंबर्स को मैच कर लेना है, और तत्पश्चात अगर किसी बच्चे के कोई नंबर में संशोधन है तो हम अपडेट कर दें उस नंबर को उस विषय में, उसके बाद में ही हमें हमारे रिजल्ट को वेरीफाई करना है। अगर हम एक बार किसी भी कक्षा के रिजल्ट को वेरीफाई कर देते हैं
तो उसके बाद में उसमें संशोधन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ग्रीन शीट से सभी बच्चों के रिजल्ट को एक बार चेक कर लेना है। सभी बच्चों का चेक करने के बाद में ही हमें रिजल्ट को वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई का ऑप्शन साला दर्पण पर प्रदान किया जाएगा, उसके तत्काल बाद आपको उससे संबंधित वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। तब तक आप धैर्य रखें। अब साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है ड्राफ्ट से संबंधित आप सभी के कमेंट्स। ड्राफ्ट से संबंधित हम सभी बच्चों के जो रिजल्ट शीट है उसको ड्राफ्ट ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सभी बच्चों के सभी विषयों के नंबर की प्रविष्टि साला दर्पण पोर्टल पर करनी होगी। उसके बाद में ही हम रिजल्ट जनरेट करके ड्राफ्ट ऑप्शन से सभी बच्चों की मार्कशीट देख सकते हैं। लेकिन अभी हमें ड्राफ्ट ऑप्शन में जब हम क्लिक करेंगे और हम प्रिंट लेंगे तो उसमें ड्राफ्ट लिखा आएगा प्रिंट में वाटरमार्क में। ड्राफ्ट वाला वाटरमार्क के प्रिंट हमें अभी नहीं लेने हैं। जब तक कि हमारे रिजल्ट को वेरीफाई नहीं किया जाता तब तक हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट के प्रिंट नहीं लेने हैं। वेरीफाई करने के बाद ड्राफ्ट वाटरमार्क की जगह साला दर्पण वाटरमार्क आएगा, उसी के हमें प्रिंट लेने हैं। साथियों, इससे संबंधित पर्टिकुलर वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप उसकी सहायता लेकर रिजल्ट से संबंधित सभी क्वेरीज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब साथियों, अगर आपके इन सभी के अलावा भी और कोई मन में शंका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय मां भारती।